गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव एंड दिस इज माय फिफ्थ वीडियो ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अ टॉपिक द नेशन द 60 ईयर। जो हमारा राष्ट्र है वो 60 ईयर ओन से ज़्यादा हो गया, मतलब 60 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है, ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर ऑफ इट्स एजिस्टेंस एज अ फ्री नेशन। 2007 में ही भारत ने 60 ईयर जो आज़ादी है उसको मनाया है, सेलिब्रेट किया है। हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन इट दिस टाइम, किस प्रकार से भारत ने या हमारा जो कंट्री है उसे से समय को पास किया है। एंड टू वाट एक्सटेंट हैज़ इट फुलफिल द आइडियल सेट आउट ऑफ आउट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को के अनुसार देश को चलाया है, उन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, आज भी भारत यूनाइटेड है, आज भी भारत एक साथ है। एंड दैट इट इज स्टिल डेमोक्रेटिक, और आज भी हमारा भारत जो है आज़ादी से लेकर अभी तक डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। आर अचीवमेंट that we might justly be proud of many foreign observers that had felt that India could not survive as a single country, that it would be break up into the many part, each region, each linguistic group seeking to the form a nation of its own। भारत सिर्फ एक single country नहीं है, भारत में different type के language बोले जाते हैं, भारत में बहुत सारे रीजन हैं, तो सभी को लेके जाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो भारत एक यूनिटी को दिखाता है। अदर बिलीव डैट इट वुड बी कम अंडर द मिलिट्री रूल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मिलिट्री रूल के अंतर्गत आना चाहिए, मतलब भारत सरकार में जो भी चल रहा है वो मिलिट्री कंट्रोल में होना चाहिए। हाउ एवर एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ बताया जा रहा है कि 13 इलेक्शन हो चुका है, जबकि बहुत ज़्यादा हो गया है आज के करंट अगर समय से चले तो, ये आपका 2007 का 8 का डाटा के हिसाब से बता रहा है। हाउ एवर द मिनी 13 इलेक्शन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एज वेल एज 100 ऑफ स्टेट एंड द लोकल इलेक्शन, बहुत सारा लोकल इलेक्शन हो चुका है, बहुत सारा स्टेट इलेक्शन हो चुका है। देयर इज अ फ्री प्रेस एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और यहाँ पे भारत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया गया, जो हमारा प्रेस है, जो हमारा मीडिया है या हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो बिल्कुल ही आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी का पावर नहीं होता है, कोई इन चीज़ों को दबा नहीं सकता। ठीक है, फाइनली द फैक्ट डैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज और प्रैक्टिसाइज द डिफरेंट फेथ हैज़ नॉट कम इन अ वे ऑफ नेशनल यूनिटी। फिर भी भारत में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के विश्वास मानते हैं लोग, और ये हमारे जो नॉट कम इन टू द वे ऑफ नेशनल यूनिटी, और ये हमारा राष्ट्रीय एकता को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर फिर भी हमारा भारत देश जो है वो सभी को एक साथ लेके चलता है। ऑन द अदर हैंड डीप डिविजन परसिस्ट, बहुत ज़्यादा ही डिविजन हुआ है भारत में लोगों को लेकर, या रीजन को लेकर, या लैंग्वेज को लेकर। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में गारंटी दिया गया है, द अनटचेबल लेवल और दे आर नाउ रिफर्ड सो टू द दलित फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमें ये लिखा है कि सभी एक बराबर है, कानून के अनुसार सबका एक बराबर हिस्सेदारी है भारत में, बट फिर भी जो दलित है, जो पिछड़ा जाति है, जो अनटचेबल में आते हैं, उनके साथ आज भी वायलेंस हो रहा है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज भी भिन्नता हो रहा है। इन मेनी पार्ट ऑफ द रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउ एक्सेस टू वाटर, बहुत सारे रूरल जगह में, गांव में आज भी जो अनटचेबल लोग हैं, जो दलित हैं, उनको वाटर, पानी या टेम्पल या पार्क में नहीं जाने दिया जाता है, या पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाने दिया जाता है। एंड डिस्पाइट द सेकुलर आइडियल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर आइडियाज को लिया गया है, आदेश को लिया गया है कि हमारा भारत जो देश है, हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है, मतलब वो सब किसी एक धर्म को नहीं मानता है, वो सभी धर्म को एक समान मानता है।
have been clashed between the different religion group in many states. But बहुत सारे स्टेट में देखा जाता है कि थोड़ा बहुत क्लेश होते रहता है, थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट होते रहता है. Above all, many observe have noted the gulf between the rich and the poor has grown over the year. अब बहुत सारे लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जो गल्फ है, जो दूरियां है, जो पुअर है वो पुअर हो रहते रह गए हैं, जो अमीर है वो अमीर हो गया है. तो ये इस तरह से इंडिया दो भागों में भी बट रहा है, अमीर और गरीब को लेकर. सम पार्ट ऑफ इंडिया, सम ग्रुप ऑफ इंडियन हैव बी बेनिफिटेड एज अ ग्रेट डील फ्रॉम द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. बहुत सारे जो देश हमारा जो इंडिया है वहाँ पे कुछ लोग बेनिफिट रह गए हैं, मतलब कुछ लोगों को बेनिफिट मिला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, और कुछ लोगों को डेवलपमेंट या इकोनॉमिक विकास या फायदा विकास से नहीं मिला है. दे लिव इन द लार्ज हाउसेस एंड डाइन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एंड सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल एंड टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडे. मतलब बहुत सारे देश में हमारा जो देश में लोग हैं वो बहुत ही अमीर हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बहुत फॉरेन हॉलीडे लेते हैं, मतलब बाहर घूमने जाते हैं. पर बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं जा पाते हैं, और वो इस प्रकार के एक्सपेंसिव लाइफ को नहीं जी पाते हैं. मतलब एक गल्प बना हुआ है रिच और पुअर में. एट द सेम टाइम मेनी अदर कंटिन्यू टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. और इसी समय के अनुसार बहुत सारे लोग जो है आज भी गरीबी की रेखा के अंतर्गत रहते हैं. हाउसेस इन द अर्बन स्लम और द लिविंग इन द रिमोट विलेजेज ऑन द लैंड डैट यार्ड. तो बहुत सारा देखा गया है कि जो रिमोट विलेजेज है, जो बैकवर्ड रीजन है, वहाँ पे लोगों के पास जो जमीन है या घर है वो बहुत ही है या नहीं है, मतलब ना के बराबर है. दे केन नॉट एफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल. और वो इतने गरीब है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाते हैं. तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा जो देश है वो किस प्रकार से दो भागों में बटा हुआ है, और आज भी इस प्रकार का सिचुएशन जो है अमीर को और गरीब को लेकर वो आपको आसपास सोसाइटी में देखने को मिलेगा. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज द इक्वलिटी बिफोर द लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन को रिकोगनाइज करना पड़ा, मतलब ये देखना पड़ा कि जो सभी को इक्वलिटी होना चाहिए, सबको एक समान बराबर हक मिलना चाहिए. बट इन द रियल लाइफ सम इंडियन आर मोर इक्वल देन अदर. मतलब कि पर भी अगर रियलिटी देखा जाए तो ऐसा नहीं है, सभी को एक समान अधिकार नहीं मिला है, कुछ लोगों को ज़्यादा मिला गया है, ठीक ना, जो रिच इंडियन है. जज बाय द स्टैंडर्ड इट सेट इटसेल्फ at the independence, the Republic of the India has not been a great success, but it has not been failure either. आप ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक जो हमारा भारत का हुआ है वो ज़्यादा सक्सेस तो नहीं किया है, ना ही ज़्यादा फेलर हुआ है, मतलब कि दोनों अब मिला जुला बातें हैं, ठीक है. तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट होता है, और हमारे पास बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं. जैसे लिखा है व्हाट डिड द अम्बेडकर मीन्स, अम्बेडकर क्या समझते थे. वेन ही सेड डैट इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी हैव अनइक्वलिटी. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिक्स में इक्वलिटी देखने मिलेगा, पर जो सोशल लाइफ होता है यानी इकोनॉमिकल लाइफ होता है वहाँ पे अनइक्वलिटी है. मतलब समाज में गरीब और अमीर में बटा हुआ है, भागों में बटा हुआ है देश. आफ्टर इंडिपेंडेंस वाई वाज देयर आर रिलक्टेंस टू द डिवाइड द कंट्री इन द लिंग्विस्टिक लाइन. भारत की आज़ादी के बाद क्यों हमें विवश होकर लिंग्विस्टिक लाइन के अनुसार, मतलब भाषाओं के वैरायटी के अनुसार अलग करना पड़ा देश को. गिव वन रीजन वाई द इंग्लिश कंटिन्यू टू यूज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. आपको बताना है कि कुछ रीजन देना है, एक रीजन देना है कि क्यों इंग्लिश जो है कंटिन्यू टू बी, मतलब इंग्लिश चलते रहा भारत की आज़ादी के बाद भी. इंग्लिश को जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ, वो बिल्कुल बरकरार है, वो अभी तक चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ. हाउ वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुलाइज इन द अर्ली डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई देता है अर्ली डिकेड में, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले और बाद में आपको किस प्रकार का डेवलपमेंट दिखाई दिया गया है भारत में, ठीक है, मतलब विकास किस प्रकार का हुआ है.
हु वॉज द मीराबेन, मीराबेन कौन है, फाइंड आउट द मोर अबाउट हर लाइफ एंड हर आइडिया, आप मीरा बहन के बारे में बताएं और उसके आइडिया के बारे में बताएं, उसके लाइफ के बारे में बताएं, फाइंड आउट मोर अबाउट द लैंग्वेज डिवीजन इन द पाकिस्तान डेट लीड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश, हाउ डिड द बांग्लादेश अचीव द इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस पाया है पाकिस्तान से, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो पीडीएफ होगा मैं इसको ज़रूर भेजूंगा और इसके जो आंसर होंगे, पर आपको याद रखना है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हिस्ट्री चैप्टर वी विल डिस्कस एंड रीड और आई टीच यू द सिविक्स चैप्टर, बिकॉज सिविक्स चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर बचा हुआ है तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे करें। तो आप इसके चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट करें एंड थैंक यू, मस्ट रीड दिस चैप्टर, थैंक यू।